नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर कोरोना की सनसनी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस में कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक बड़े पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में हड़कंप मचा दिया है। रविवार को गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के एक बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके साथ साथ अधिकारी का गनर और ड्राइवर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्थिति यहीं तक नहीं, इनके परिवारी जन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के डीसीपी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले इनके गनर और चालक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनका बेटा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं इनकी पत्नी पर भी कोरोना का साया बताया गया है। कोरोना संक्रमित पाए गए ग्रेटर नोएडा के डीसीपी बहुत अच्छे सुलझे अधिकारी हैं। पिछले कई महीने से इन्होंने बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रखा है। डीसीपी साहब ने बदमाशों पर काबू तो पा लिया, लेकिन कोरोना के संक्रमण से नहीं बच पाए। दो दिन वह मुख्यमंत्री की ड्यूटी में तैनात रहे। उनके साथ जिले के कई बड़े अधिकारी भी रहे हैं। उनके कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कई बड़े पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। डीसीपी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस के कई अधिकारी कोरोना के भय के साए में आ गए हैं। वह अपना टेस्ट कराने का विचार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण का भय उन्हें भी सताने लगा है। गौतम बुद्ध नगर में पहले कई दर्जन पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। धनकौर और दादरी कोतवाली में भी कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल डीसीपी, उनके स्टाफ और परिवारी जनों के जल्दी ही अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटने की कामना करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उन्हें कोरोना संक्रमण पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। आशा की जाती है कि डीसीपी स्वस्थ होकर जल्दी ही काम पर लौटेंगे और बदमाशों के खिलाफ पुनः अभियान शुरू करेंगे। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन, शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।